कॉलेजेस में यही प्रॉब्लम थी क्या? आई वाज इन लेडी श्रीराम और वो भी 7 बजे, मतलब वहां पर गेट बंद हो जाता था। वाओ, आप कॉलेज गई हैं? क्या मारूं तेरे को यहाँ से? हाँ गई हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ Excuse me, I have done PG diploma in commercial arts, babe. इतने गहने पहन के सोती हैं ये, इतने गहने पहन के नॉर्मल आदमी पार्टी में ज्यादा, तुम इतना शो अच्छा होस्ट करती हो, कुछ नहीं पहना हुआ सिवाय ये 15 रुपए के जो तुमने लिए है। हीरोइंस आती रहती है आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए हैं, बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, देखना मैं कुछ दिनों में कैसे पतली हो जाती। Really, nigga? आपके बात बताऊँ, वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक आसन बताता हूँ, ऐसे कम होगा वेट। ऐसे कैसे? आप ऐसे सीधे खड़े रहना। हाँ? अपनी गर्दन को पहले सीधे रखो। हाँ? फिर ऐसे करना लेफ्ट में। हाँ? फिर ऐसे राइट में। ये आसन करना है आपको। लेकिन ये करना कब कब है मुझे? जब भी कभी आपको कोई खाना ऑफर करे। साड़ी? आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर तो देखो बहुत अच्छी लग रही है। When I switch lanes, then them doors swing. कुछ ऐसे अप डाउन होते हैं उससे हम लोग सीखते हैं, तो ठीक है, मुझे भी लगता है कि मैं पहले से थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ। और सवाल क्या था आपका? एक ना एक ऐसी लड़की मेरी फ्रेंड बन गई, एक लड़की मेरी फ्रेंड बन गई ऐसे ही, तो कहती हम लोग ऐसे घूमने फिरने जाना, हमारी यूनिवर्सिटी के सामने पिज्जा, वो नया नया पिज्जा का खुला था कुछ रेस्टोरेंट, तो मेरे पास 80 रुपए थे, मैं पीसीओ पे जॉब करता था तब, तो मैं 80 रुपए मेरे पास थे, तो मैंने हिसाब लगाया घर में, 60 रुपए का पिज्जा था शायद उस समय, अभी तो 120-150 से कम नहीं आता है, 60 रुपए का पिज्जा, 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक बनकर 70 रुपए है, पेट्रोल है उसमें, तो 10 रुपए बचे थोड़े टिप दे के तो इंजॉय। अच्छा मैं गया, मैं पिज्जा मंगवाया पूरा फुल साइज पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक, वो पता नहीं भूखी घर से आई थी वो। पूरा अच्छा मैं एक स्लाइस धीरे धीरे करके खाऊं, कभी उसमें से मशरूम उठा लूं, कभी उसमें ऑलिव, पूरा भी ना खाऊं कि अगर जल्दी खत्म हो गया तो और मंगवाना पड़ सकता है, तो मैंने एक स्लाइस नहीं खत्म किया सर, उसने पूरा खत्म कर लिया, ऊपर से गंदा सा डकार लेके उसने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिया। फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, मेरा बजट हिल गया सर, तो मैं तो सोच लिया था वैसे ही, उसके बाद मिली नहीं मेरे को वो। उसको लगा होगा जो मेरे एक टाइम का खाने के खिलाफ आया, पर आज देखती होगी। शाहरुख भाई मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था, मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है मैं क्यों हाथ डालूं। अनुराग दीक्षित करके हैं, उन्होंने लिखा, वेल कपिल शर्मा आई वांट अ पब्लिक अपॉलॉजी फॉर अब्यूजिंग मी और आई एम गोइंग टू सू यू टिल योर गिल्स। ये कौन है? ये कौन है? इसको आपने जवाब दिया, चल बे चल बे चल बे। तो लाइचा कौन बोलता था ऐसे? ऑडियंस सामने आपके ऐसे कौन सा आपने कौन सा? सारे एपिसोड देख लो, चाहे कोई हीरोइन आए माइक स्टार्टिंग होती है, एक बार वो खत्म बहुत मुश्किल से होती। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अभी भी आपके दोनों तरफ एक लड़की बैठी एक लड़का बैठा, कोहनी आपने इस तरफ भी रखी ना जिस तरफ लड़की है। Keep paying but waiting for my crack, that's okay, but I'm a motherfucking rapper bitch, I am not okay, so stop telling me do this do that, I don't know. समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें कैसे चुना, I mean we are like poles apart, हमारा कोई मैच ही नहीं है। सर हमने कौन सा आपस में शादी करनी है? आप अपनी लाइन बोलिए, मैं अपनी लाइन, उसके बाद मैं अपने घर, आप भी किसी ना किसी के घर। रणबीर साहब आप पहली बार हमारे शो में हैं, चाय पानी वगैरह मैं पी लूं फिर आपसे बात करता हूं।